अमृता स्टार्ट करते हैं आपका फुल मॉक फॉर बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स, ठीक है ना? यस सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। सर माय नेम इज अमृता सिंह। आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर यूपी इन 2014 एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च प्रयागराज यूपी एंड आई हैव आल्सो डन पॉलिटेक्निक फ्रॉम गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक फ्रॉम गोरखपुर एंड आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड आफ्टर दैट सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल नॉट कंटिन्यू माई एक्सपीरियंस टीचर्स टीचिंग And now, from 2 years, I am preparing for BPSC, Assistant Professor. Now you are fully ready for the professor because you. Sir, आवाज clear नहीं हो रही है. अभी आप ready हैं? हाँ, ready हैं अपने responsibilities के लिए आज टीचर. यस सर। सर बीच में मेरे दो बच्चे हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि मतलब बच्चों को देखना उस टाइम ज़्यादा ज़रूरी था। बट अब वो बड़े हो गए हैं तो मुझे पूरा टाइम मिलता है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने का और अपने कैरियर को परस्यू करने का। अच्छा अमृता, अभी आपने कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर किए कर रखे हैं? सर कंट्रोल सिस्टम मशीन एंड नेटवर्क एनालिसिस। कंट्रोल सिस्टम मशीन एंड नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। अच्छा मशीन ने मेरे को बताइए, ये टैप चेंजर होता है, आपने सुना है टैप चेंजर? यस सर। हाँ, वो एचवी साइड लगाते हैं या एलवी साइड लगाते? नहीं सर, अभी मैं रिकॉल ठीक कर। है, टैप चेंजर ठीक है। अब मेरे को अच्छा ट्रांसफार्मर में मेरे को बताइए, पोलैरिटी टेस्ट कैसे? हेलो सर आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है। अमृता, पोलैरिटी टेस्ट सुना है अपने? पोलैरिटी टेस्ट यस सर। कैसे करते हैं पोलैरिटी? सर पोलैरिटी टेस्ट में जो भी हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो बाइंडिंग होती है उसमें उसके सीरीज में हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं प्राइमरी की वोल्टेज और सेकेंडरी की वोल्टेज में हम लोग लगाते हैं। तो जब भी हमारी जो वैल्यू आती है इन दोनों वोल्टेज के अगर एडिशन में आती है तो वो हमारा डायग्राम बना के दिखा दीजिए बस। तो द वी की वैल्यू दिस इज इक्वल सर, इस तरीके से हमारा पोलैरिटी टेस्ट होता है जहाँ पर भी हम लोग
जो वोल्टेज होता है वो अगर इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहता है, तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो सब्सट्रैक्शन में उसका रिजल्ट देता है, और जब ये जो इसके रिस्पेक्ट में निगे पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में हमारा निगेटिव कनेक्शन हाँ मैं होता है, समझ, तो नीचे वो नीचे वाला टर्मिनल आपस में कनेक्ट करेंगे या नहीं, क्वालिटी टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए सर करते हैं। उसको कनेक्ट करना है, ठीक है यस ना। सर, हाँ सर करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं। ओके, मेरे को अमृता कोई एक टॉपिक आप एक्सप्लेन करके दिखाइए जो आपने पढ़ाया है कॉलेज में, या आपको अच्छा लगता है कि आई कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, तो कोई भी एक टॉपिक। सर हम जानते हैं कि जो हमारा डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन में डीसी मशीन में हम जो फील्ड वाइंडिंग है वो हम स्टेटर पे देते हैं, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो हमारे रोटर पे वर्क करता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर फ्लक्स फ्लक्चुएशन होता है, इसमें सबसे एक केयर करने वाली हमारी बात होती है, जो एक फिनोमिना होता है वो है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। सो नाउ हियर वी आर एक्सप्लेनिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे हमारा स्टेटर है और ये रोटर है, ठीक है, तो जब हमारा स्टेटर हमारा यहाँ पे सैलियंट पोल होता है, जहाँ पर हम कॉइल्स लगाते हैं, वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग में जब करंट फ्लो कराते हैं तो हमारा पोल जनरेट होता है, नॉर्थ पोल स्टेट और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि हम लोग राइट हैंड करंट के डायरेक्शन राइट हैंड सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। जब ये करंट हमारे आर्मेचर जब जब हमारे आर्मेचर में करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, तो हमारा जो भी फ्लक्स होगा वो फाई एफ फाइनल फ्लक्स जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर वर्क करेगा। ठीक है, जब हम आर्मेचर में आर्मेचर में कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, एज अ मान लीजिए कि ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, तो जनरेटर को हम लोग पहले मूवमेंट देते हैं और उसके बाद उसमें एक कंडक्टर में करंट फ्लो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से हमारी करंट फ्लो करती है। उस करंट फ्लो करने से हम उसके आर्मेचर एमएमएफ के डायरेक्शन को देखते हैं, जो कि हमारे वाई एक्स क्यू एक्सिस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, अकॉर्डिंग वो एस्टेब्लिश होता है स्टेशनरी। तो यहाँ पे जब भी हम फिर से फाइंड करेंगे, जो हमारी करंट है वो ऐसे अप डाउन होगी, तो जो हमारा फ्लक्स है वो एज अ क्रॉस मतलब क्रॉस डायरेक्शन में, मेन फ्लक्स के क्रॉस डायरेक्शन में वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो जो हमारी आर्मेचर फ्लक्स होगी वो जियो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो होगी। ठीक है, अब जब हम दोनों फ्लक्स को एक साथ, यहाँ पर तो हमने देखा कि जब आर्मेचर फ्लक्स है वो कैसे, मेन फ्लक्स है वो कैसे शो कर रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है या वर्क कर रहा है हमारे मशीन में। नेक्स्ट हमने देख लिया कि हमारा जब सिर्फ आर्मेचर कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो रही है तो फ्लक्स कर रहा है, तो कैसे हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसके क्रॉस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब दोनों को एक साथ वर्क करा के, यही हमारा मेन कंडीशन है, जहां पर कि हमारा जो मेन फ्लक्स है वो ओके okay। रिड्यूस हो जाता है। हाँ अमृता, ठीक है मैं समझ गया, दोनों का समझ गया। अब मेरे को ये बताइए आर्मेचर रिएक्शन का मेन इफेक्ट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है या डीमैग्नेटाइजिंग? मैग्नेटाइजिंग होती आर्मेचर है रिएक्शन या का डीमैग्नेटाइजिंग होती है? सर आर्मेचर रिएक्शन का मेन इफेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग होता है, उससे जो हमारी जो मेन फ्लक्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब भी मैग्नेट होता है वो सैचुरेशन सैचुरेशन में रहता है, तो जो स्ट्रांग एरिया है वो हमारा एज अ कंपेयर
वीक एरिया से कम होता है, इसीलिए यहाँ पर जो मेन फ्लक्स होता है। अमृता, हाँ अमृता मैं भी बता देता हूँ, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है, क्योंकि क्रॉस में प्रोड्यूस हो रहा है फ्लक्स, तो ना आर्मेचर फ्लक्स इज प्रोड्यूसिंग क्रॉस डायरेक्शन, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कम होता है। और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कब होता है, जब वो लीडिंग एंड एंड होता है रोटर का, सॉरी स्टेटर का, लीडिंग एंड पोल का, ठीक है ना, उसपे मैक्सिमम फ्लक्स हो जाता है और लैगिंग एंड पे मिनिमम अच्छा फ्लक्स हो जाता है, तो जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ सेचुरेशन हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है, जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं होता, ओवरऑल फ्लक्स फिर रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए इसका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी होता है, लेकिन मेन इफेक्ट क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। यस, मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की वजह से ही डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। हाँ वो ऐसे एज सच अपने आप डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है फ्लक्स, वो क्रॉस डायरेक्शन में है, लेकिन कॉम्युलेटिव इफेक्ट लीडिंग साइड में, जनरेटर के केस में जब लीडिंग मतलब जो आगे की तरफ आएगा, ठीक है ना, पोल का पोल फेस ऐसे होता है ना, पोल फेस का लीडिंग एंड और लैगिंग एंड, लीडिंग एंड मतलब जो आगे की तरफ होता है उसमें वहां पे मैक्सिमम फ्लक्स होता है, लैगिंग एंड में कम हो जाता है, तो जहाँ मैक्सिमम फ्लक्स होता है वहाँ कोर सेचुरेट हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे जो इफेक्टिव फ्लक्स होता है वो कम होता है और लैगिंग एंड में कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर ओवरऑल फ्लक्स जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, लेकिन मेन इफेक्ट क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। नाउ सर विल आस्क यू वन मोर और टू क्वेश्चन, देन आई विल गिव यू फीडबैक। राजीव सर, हेलो यस राजीव सर, अच्छा चलिए ठीक है, मैं ही कर कंटिन्यू। दूसरा सब्जेक्ट आपने कंट्रोल सिस्टम बताया ना, यस सर, यस सर, और नेटवर्क, कंट्रोल यस सर, सिस्टम एंड नेटवर्क, ठीक है। मेरे को ये बताइए, सुपर पोजिशन थ्योरम की कंडीशंस क्या होती है, वेयर वी कैन अप्लाई द सुपर पोजिशन थ्योरम, सुपर पोजिशन थ्योरम, वेयर वी कैन अप्लाई द सुपर पोजिशन थ्योरम, सर सुपर पोजिशन थ्योरम हमारे बायलिटरल एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, डीसी सर्किट बायलिटरल एलिमेंट्स पे। वहाँ पर जो भी हमारे एक स्पेसिफिक टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज और टर्मिनल पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए, और मोर देन जो सोर्स एक सोर्स को एक्टिव करके सारे सोर्सेस को डीएक्टिवेट करके, और फिर हम लोग फाइंड करते हैं, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ सम जो आता है वो हमारा उस टर्मिनल के वोल्टेज पे होता है। अच्छा अलजेब्रिक सब, अब उसमें वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, करंट सोर्स को क्या करते हैं, सर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज करते हैं। अगर हमारा अगर सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे, नहीं तो जो वोल्टेज सोर्स है वो हमारा ओपन सर्किट होता है और जो करंट सोर्स है वो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। उल्टा बोल गए, आप घबरा रहे हो अमृता, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है, यस सर, और अगर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है सॉरी, डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज ही रहने देते हैं। ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मेरे को ये बताइए, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का कोई एग्जांपल दीजिए।
एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर कंडीशन, इसमें फीडबैक डिवाइस क्या है? सर ट्रांसड्यूसर है, कौन सा ट्रांसड्यूसर? जो कि टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स में चेंज करता है। चलिए अमृता, ना मैं खुद को बता देता हूँ। एक तो आपको वो नहीं करना, देखो आपने क्वेश्चन समझ लिए लेकिन आंसर देते हुए ना कंफ्यूजन हो गया, ठीक है? जिसे सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम की कंडीशन है कि सर्किट हमारा लीनियर होना चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरियंट सर्किट होना चाहिए, ठीक है ना? तभी हम उसको, सुपरपोजिशन थ्योरम ही बताती है कि लीनियरिटी है या सर्किट। अगर किसी सर्किट पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे हमें उसको लीनियरिटी का पता चलता है, ठीक है? तो कि दैट सर्किट इज लीनियर, क्लियर? यस सर, हाँ। दूसरा ध्यान रखना है वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए आइडियली, तो उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है ना? और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियली? इनफाइनाइट, इसलिए उसको ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है? अब नहीं भूलेंगे ना। हाँ, और ये एग्जांपल आपने बता दिया था, ठीक है ना? टैप चेंजर जो होता है एचटी साइड लगाते हैं, टैप चेंजर को एचटी साइड लगाते हैं। एचटी साइड इसलिए लगाते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ टर्न हमें ज्यादा मिल जाते हैं, जिनको हम चूज कर सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से कितना चेंज करना। एक टेप से दूसरे टेप पर जाने में करंट दे, करंट कम करना पड़ता है, इसलिए वहां पे हम कम, क्योंकि एलटी साइड में करंट ज्यादा होगी, उसको ब्रेक करने में स्पार्क होती है, सर इसलिए आपकी वे आवाज हम एकदम नहीं क्लियर एच हो टी रही है। साइड में यूज करते हैं। टैप चेंजर एच टी साइड में लगाते हैं, इतना हाँ समझ यस गया था आपको? सर, यस सर, यस सर, यस सर, और एच टी साइड में करंट कम होती है, इसलिए उसको मेक और ब्रेक इजी होता है उसको, ठीक है ना? एल टी साइड में करंट ज्यादा होती है, इसलिए उसका मेक और ब्रेक डिफिकल्ट होता है, ठीक है? दूसरा, नंबर ऑफ टर्न एच टी साइड में ज्यादा होते हैं, जिससे हमारे पास वेरिएशन चूज करने की फैसिलिटी होती है, कि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने से तो हमें कम वेरिएशन में भी हम अपना चेंज कर सकते हैं। वहां पे एल टी साइड में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, तो एक ही टर्न में हमारी बहुत सारी वोल्टेज चेंज हो जाएगी, है ना? एक ही टर्न में हमारी बहुत सारी वोल्टेज चेंज हो जाएगी, तो वहां पे हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती कि हम उसको कम वोल्टेज चेंज कर पाए, तो इसलिए एच टी साइड में हम वोल्टेज का टेप चेंजर लगाते हैं, ठीक है? घबराना नहीं, इंट्रोडक्शन आपका ठीक है, आपको बोलना है, सीधे सीधे बोल देना कि सर आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, बट आई गॉट मैरिड इन टू ईयर सो एंड सो, तो बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी माई चिल्ड्रन वर स्मॉल, तो आई हैव टू लीव द माई टीचिंग, ठीक है ना? लेकिन नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट, क्या बोलते हैं, टीचिंग जॉब्स, ठीक है ना? सिंस लास्ट 2 ईयर। आप बोल, पर्टिकुलर इसका नाम नहीं लेना है, ठीक है ना? क्लियर बोलना आप, ठीक कर रही हूँ, नाउ आई एम रेडी फॉर द माय टीचिंग प्रोफेशन, सीधे कॉन्फिडेंटली बोलना, ठीक है? चलिए, वैसे तो कोई ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन बस इसी चीज को कॉन्फिडेंटली बोलना है, ठीक है ना? कि सर आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस, बट मीन वाइल आई गोट मैरिड एंड आई हैव टू टेक केयर माई चिल्ड्रंस, नाउ दे हैव ग्रोन अप एंड नाउ आई एम रेडी फॉर द माई टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग प्रोफेशन, एंड आई एम प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट 2 ईयर फॉर द टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है ना? ऐसा बोल। चलिए, गुड लक अमृता, सर डोंट, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो ठीक है, मतलब क्योंकि हाँ वो तो ब्लैक एक्सप्लेनेशन, बोर्ड पे। हाँ नहीं एक्सप्लेनेशन ठीक है, लेकिन आपने क्या बोलते हैं, चलो अब तो टॉपिक चूज यही किया तो यही इसी पे स्टिक रहना, थोड़ा ये लेंदी पड़ जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे दिख नहीं रहा, वहां पे थोड़ा मैं समझ लेता कि क्या बना रहे हो आप, ठीक है ना? इस वजह से ये थोड़ा सा हुआ है। अब तो चेंज नहीं करना, अब इसी पे रहना, इसी को एक्सप्लेन करना,
ठीक ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सिंपल बोलना है कि फील्ड वाइंडिंग के वजह से फील्ड ऐसे फ्लो करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से जब आर्मेचर करंट फ्लो करती है तो उसका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। उसकी वजह से जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस है वो शिफ्ट कर जाती है, ठीक है, सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन केस ऑफ जनरेटर और बैकवर्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ मोटर। सर एक चीज और था, ये जो जब लोड लगाते हैं तभी तो जो MNA है, जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, वो शिफ्ट करती है। नो लोड पे तो वो मतलब कोई नो वर्क तो लोड पे तो नहीं। कुछ कुछ नहीं इफेक्ट करेगा, नो लोड पे तो हाँ फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा आर्मेचर का, हाँ फिर कैसे होगा। तो नो लोड पे तो कुछ नहीं होगा, जब लोड लगाएंगे तभी आर्मेचर का करंट हाँ होगा और वो जो एक्सिस से शिफ्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक चीज और पूछना था हमको, ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें जो रिड्यूस वोल्टेज करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब रिड्यूस वोल्टेज पे ही क्यों उसको करते हैं? शॉर्ट सर्किट में आपकी करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगी, आपको तो कम करंट फ्लो करानी है, केवल रेटेड करंट तक फ्लो कराना है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, तो इसलिए रिड्यूस वोल्टेज देना पड़ेगा। हमें अच्छा शॉर्ट सर्किट करोगे तो हाई करंट फ्लो करेगी ना, इसलिए यस सर, शो होगा। और दूसरा हमारा वो मीटर उसी रेंज के लिए एक्यूरेट होते। ठीक है अमृता, नाउ यू मे लीव, अ न्यू स्टूडेंट हैज कम। यस सर, ओके ओके, ऑल द थैंक यू, बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और कॉन्फिडेंट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर।